2019 के इलेक्शन नज़दीक हैं और बहुजन समाज के लोगों को वोट डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपके घर पे कोई भी वोट मांगना है वो राइट है उसका, वो मांगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को निवेदन है, शराब मत लेना इनसे, इनसे कपड़े मत लेना, इनसे पैसे मत लेना, इनसे कुछ भी मत लेना, वोट सही आदमी को डालना। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपनी सरकार बनाते हो ना, आपके जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आएगा इन 5 सालों में। आपके पास जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हो पूरे जीवन में, एक आदमी एक मकान बनाना है ना, वो सारी पूरी होगी। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, और ये नारा भी राज साहब काशीराम ने दिया था। तो इस देश में ज़मीनों का, जल का, पहाड़ों का, इन सब का बंटवारा चाहते हैं हम लोग बराबर, खनिजों का। इस देश की सत्ता में हम लोगों की जब हिस्सेदारी होगी, हम लोग बैठेंगे, तो देश के संसाधनों का बंटवारा होगा। आपको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। वोट सबसे बड़ी इज्जत है हमारी, हम बाबा साहब के लोग हैं, आप बुरा मत मानना। आप लोगों ने हमेशा अपनी वोट को बेचा है, अब आप जैसा खुद हो वैसा नेता चुनोगे। आप अगर अच्छा नेता चाहते हो तो फिर निस्वार्थ वोट जो है ना बहन जी को दो, गरीबों की पार्टी है बसपा, जो है ना हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से खड़ी करी है। मैं तो ये कहूँगा बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है बहुजनों के लिए, उनको उनको ही वोट देना चाहिए, उन्हीं के अंदर राजनीति करनी चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए।